जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल अविजन एसएससी बैंक एग्जाम्स पे। मैं हूँ आप लोग के साथ उर्वशी सिंघी, और आज का जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन दोस्तों रहने वाला है वो रहने वाला है टॉप 10 करेंट अफेयर्स बेस्ड ऑन 26th and 27th of May 2021। आशा करते हैं कि आप लोग सब लोग घरों में बिल्कुल अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। सेशन को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मेरी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट रहेगी कि जो भी हमारे चैनल पर नया जुड़ा है या फिर इन वीडियोज को पहली बार देख रहा है, मेक श्योर दैट यू हिट सब्सक्राइब बटन, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ऑल्सो शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एज वेल। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि सेशंस की पीडीएफ आप लोग को मिल जाए तो डिस्क्रिप्शन में जाकर लिंक की हेल्प से सेशन की पीडीएफ को आप लोग अवेल कर सकते हो, और साथ ही साथ आप लोग हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल अविजन इंस्टीट्यूट के ग्रुप को भी जरूर ज्वाइन कीजिए। दोस्तों आपको करना क्या होगा, एक छोटी सी चीज के प्ले स्टोर से जाकर आपको टेलीग्राम ऐप को डाउनलोड करना होगा। इंस्टॉल करने के बाद उसमें आप लोग लॉगिन साइन अप कर लीजिएगा, और उसके बाद आप लोग को वहां पर सर्च करना होगा अविजन इंस्टीट्यूट। जैसे ही आप लोग वहां पर अविजन इंस्टीट्यूट लिखकर सर्च करेंगे दोस्तों, आप लोग को एक ग्रुप मिलेगा। उस ग्रुप में जो आप लोगों का आइकन रहेगा कुछ इस प्रकार से आप लोग को रहेगा, वो ग्रुप आपको क्या करना है दोस्तों, ज्वाइन करना है। ठीक है, जैसे ही आप लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर लेंगे तो सारी डिटेल नोटिफिकेशन आप लोग को अपने स्क्रीन पर मिल जाएगी। जैसे भी कोई नई पैटर्न की कोई डिटेल आती है, या कभी पैटर्न चेंज होने की कोई नोटिफिकेशन आती है, या फिर कोई वैकेंसी की नोटिफिकेशन आती है, तो सबसे पहले आपको उसी ग्रुप पर नोटिफाई कर दी जाएगी दोस्तों। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जितने भी हमारे यहाँ पर वीडियो अपलोड होते हैं ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर, उसकी लिंक और उसका पीडीएफ वो भी आप लोग को वहां पर मिल जाएगा। ठीक है, बकायदा वो भी आप लोग वहां से क्या कर सकते हो, अवेल कर सकते हो। तो दोस्तों ये थी कुछ जानकारी जो हमें आपको देनी थी। साथ ही साथ दोस्तों डेली के साथ साथ वीकली और मंथली करेंट अफेयर्स, जी हाँ बिल्कुल दोस्तों, डेली के साथ साथ वीकली प्लस मंथली जो हमारे करेंट अफेयर्स होते हैं, और साथ ही साथ जो वन लाइन होते हैं, वो भी अविजन इंस्टीट्यूट लेकर आ गया है आप लोग के लिए। अब उसके लिए आपको करना क्या होगा, आपको विजिट करना होगा www.avision.co.in। जैसे ही आप लोग avision.co.in पर दोस्तों विजिट करेंगे तो आपको कुछ इस प्रकार की स्क्रीन दिखाई देगी, और वहां पर आप टेस्ट सीरीज, ऑनलाइन कोर्सेज, लाइव क्लासेस सबके बारे में पता कर सकते हैं। फर्दर डिटेल के लिए दोस्तों आप लोग इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप करके भी पूछ सकते हैं, और कॉल कर भी जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे आज के हमारे सेशन का पहला क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों की स्क्रीन पर। Which bank issued India's first foreign portfolio investor FPI license to gift IFSC Alternative Investment Fund AIF of the True Beacon Global, right? तो यहाँ पर दोस्तों कौन सी ऐसी भारतीय पहली ऐसी बैंक है जिसने बेसिकली एफपीआई का लाइसेंस देने की बात यहाँ पर बोली है। एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक और कोटक महिंद्रा बैंक। द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज कोटक महिंद्रा बैंक। दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक की अगर मैं बात करूँ तो इसके बारे में डेफिनेटली पूरी डिटेलिंग पहले लेनी चाहिए, उसके बाद हम लोग आगे बढ़कर यहाँ पर बात करेंगे। तो दोस्तों कोटक महिंद्रा बैंक पहले तो एक नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी था, जिसको फिर बैंक में क्या कर दिया गया, कन्वर्ट कर दिया गया। और उसी के साथ साथ बता दूं मैं आपको कि इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर है दोस्तों, इसका जो एस्टेब्लिशमेंट ईयर रहेगा वो रहेगा 2003। ठीक है, और साथ ही साथ दोस्तों 1985 में इसको कन्वर्ट किया गया था बैंक में। ठीक है, 1985 में इसको बैंक के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया था, पहले ये बैंकिंग एंटिटी नहीं था। अब दोस्तों यहाँ पर बात करें हेडक्वार्टर की, तो हेडक्वार्टर इसका हो जाएगा कहाँ पर, मुंबई में। और बात करूं मैं इसके सीईओ और एमडी की, तो दोस्तों एमडी और सीईओ इसके जो हो जाएंगे वो हो जाएंगे उदय कोटक, लिख दूं मैं आप लोग के लिए यहाँ पर उदय कोटक। और दोस्तों मैं बात करूं इसके टैगलाइन की अगर, तो हाँ टैगलाइन काफी इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के व्यू पॉइंट से, तो टैगलाइन जरूर हमें यहाँ पर क्या करनी चाहिए, याद रखनी चाहिए यहाँ पर दोस्तों। तो टैगलाइन हो जाएगा आपका क्या, तो टैगलाइन यहाँ पर हो जाएगा आप लोगों के लिए लेट्स मेक मनी सिंपल, लेट्स मेक मनी सिंपल, राइट। तो ये हमारी क्या हो जाएगी, कोटक महिंद्रा बैंक की टैगलाइन हो जाएगी। तो चलिए फिर इसके बारे में पूरी डिटेलिंग यहाँ पर पढ़ लेते हैं। तो कोटक महिंद्रा बैंक हैज इशूड द फर्स्ट एवर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर license to gift IFSC Alternative Investment Fund to True Beacon Global. This is the first FPI license issued to an AIF incorporated GIFT IFSC by an custodian bank and designated depository participant. अभी सब होते कहते हैं, देखो सबसे पहले बात कर ले दोस्तों FPI क्या होता है। मैंने बहुत बार आप लोगों को बताया FPI के बारे में। तो FPI बेसिकली दोस्तों होता है जब कोई भी फॉरेन का इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टर टोटल का
10% से कम क्या करता है, इन्वेस्ट करता है इंडिया में। जैसे मान लीजिए अगर 100 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है और उसका 10% कितना होता है, 10 करोड़। तो 10 करोड़ या फिर 10 करोड़ के नीचे कोई इन्वेस्टमेंट हो रही है तो वो क्या कहलाती है, आपकी FPI कहलाती है, जहां पर इसका जो मेन मकसद रहता है दोस्तों बिजनेस करना नहीं रहता है, सिर्फ प्रॉफिट और लॉस कमाना रहता है। ठीक है, सिर्फ प्रॉफिट एंड लॉस के एम से ये लोग क्या करते हैं, FPI करते हैं इंडिया में। तो जितने फॉरेन इन्वेस्टर्स अगर इंडिया में पैसा जमा करा रहे हैं, मतलब पैसा इन्वेस्ट करा रहे हैं, तो उसे हम बोलते हैं क्या, FPI। अगर वो 10% या 10% से कम है तो, अगर ये 10% से ज्यादा होता है तो इसे FDI बोला जाता है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जहां पर उनका जो मेन मोटिव रहता है वो बिजनेस करना रहता है इंडिया में दोस्तों। ठीक है, तो ये एक छोटा सा यहाँ पर डिफरेंस होता है। अब बात कर लूं मैं आप लोगों के साथ कि DDP क्या होता है। जैसे कि ये बात यहाँ पर लिखी गई है, डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट, तो इट मीन्स अ पर्सन हु हैव बीन अप्रूव्ड बाय द सिक्योरिटीज एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, मतलब सेबी के द्वारा क्या किया गया है, अप्रूव किया गया है अंडर FPI रेगुलेशन 2014 टू बाय सेल और अदरवाइज डील इन सिक्योरिटीज एज अ फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, जो कि क्या कर सकता है दोस्तों, जितनी भी डील्स है सिक्योरिटीज है उनको खरीद बेच सकता है इंडिया मार्केट में। सेबी ने उसको क्या कर रखा है, ये परमिशन दे रखी है, अप्रूव कर रखा है सेबी ने अंडर द FPI रेगुलेशन, तो उसे बोला जाता है DDP, डेजिग्नेटेड डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। ठीक है, और बात कर लेते हैं AIF का क्या होता है, तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड, तो इट इज अ प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल दैट कलेक्ट फंड फ्रॉम सोफिस्टिकेटेड इन्वेस्टर्स वेदर इंडियन और फॉरेन फॉर इन्वेस्टिंग, इट इज अ डिजाइंड और डिफाइंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी फॉर द बेनिफिट ऑफ इन्वेस्टर्स। अब ऑल्टरनेटिव इन्वेस्ट फंड ये क्या होता है दोस्तों, बेसिकली ये क्या करता है, हर जगह से पैसा इकट्ठा करता है। अब मानो कि वो इंडिया से पैसा इकट्ठा कर लेता है, मतलब इंडिया के लोगों से भी पैसा इकट्ठा कर सकता है और बाहर के लोगों से भी पैसा इकट्ठा करके एक निर्धारित जगह पर उस पैसे को क्या कर सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, तो देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ AIF, एक होता है कैटेगरी 1, कैटेगरी 2 और कैटेगरी 3, तो 3 कैटेगरी होते हैं AIF के, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, नाम याद रखना है। और दोस्तों इन तीनों का मतलब क्या होता है, ये बात शायद आपको समझ में आ गई होगी। DDP का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये खरीद बेच सकता है सिक्योरिटीज को बाय द परमिशन ऑफ सेबी अंडर FPI रेगुलेशन 2014। और ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है जो कि क्या करता है, हर जगह से पैसा इकट्ठा करके एक निर्धारित जगह पर क्या करता है, उसको इन्वेस्ट करता है ताकि इन्वेस्टर्स को क्या मिल सके दोस्तों, फायदा मिल सके। आई बात समझ में, तो ये सारी चीजें थी जो आप लोगों को यहाँ पर क्या करनी है, ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के व्यू से रहेगा। हम लोग नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 2 हमें यहाँ पर क्या बोलता है ये देखेंगे, हु हैज वॉन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021, मैक्स वेरस्टैपेन, लेविस हैमिल्टन, कार्लोस सेन जूनियर और एल नोरिस। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज मैक्स वेरस्टैपेन। तो दोस्तों मैक्स ने क्या किया है दोस्तों, यहाँ पर जीता है कि आप लोग का मोनाको ग्रैंड प्रिक्स 2021। ठीक है, तो रेड बुल जिसने स्पॉन्सर किया, रेड बुल मैक्स मैक्स वेरस्टैपेन वॉन द मोनाको ग्रैंड प्रिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम टू टेक द फॉर्मूला 1 चैंपियनशिप लीड फ्रॉम लुइस हैमिल्टन। तो बेसिकली ज्यादातर हमने देखा है लुइस हैमिल्टन ही जीतते हैं, लेकिन इस बार जो जीत के अधिकारी बने हैं दोस्तों मैक्स वेरस्टैपेन। फरारी कार्लोस सेंस जूनियर फिनिश द सेकंड एंड वाइल मैकलरेन एंड नॉरिस आर डिसअपॉइंटिंग थर्ड प्लेस। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात आपको ध्यान रखनी है कि पहले पोजीशन पर कौन आए दोस्तों, तो पहले पोजीशन पर वेरस्टैपेन, सेकंड पे आए आप लोगों के क्या कार्लोस सेंस जूनियर जो कि फरारी को करते हैं दोस्तों बिलोंग, और यहाँ पर थर्ड पोजीशन पर मैकलरेन और एल नॉरिस रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 3 हमें यहाँ पर क्या बोलेगा ये देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज द ऑथर ऑफ द बुक नेहरू टिबेट एंड चाइना, टी सतीश, अर्पित अग्रवाल, अवतार सिंह भसीन, शांतनु मुंशी। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अवतार सिंह भसीन। तो दोस्तों अब बुक है जिसका नाम आपको क्या है, नेहरू टिबेट एंड चाइना। ठीक है, नेहरू टिबेट एंड चाइना, जिसको ऑथर किया है किसने, अवतार सिंह भसीन ने। दिस बुक इज बेस्ड ऑन द ईयर्स ऑफ मेटिक्यूलस आर्चिवल रिसर्च, दिस बुक इज अ फैसिनेटिंग डिटेल्ड एनालिसिस द इवेंट्स ऑफ 1949 टू द इंडो चाइना वॉर 1962 एंड इट्स आफ्टरमैथ टू एक्सप्लोर द आंसर्स ऑफ दीज बर्निंग क्वेश्चंस। राइट, तो उस टाइम में दोस्तों जो बहुत सारे सवाल उठे थे इंडिया और चाइना टिबेट के बीच में, तो बेसिकली उन सवालों का एक आफ्टरमैथ जो एक बर्निंग क्वेश्चंस के आंसर है वो कहीं ना कहीं इस बुक में यहाँ पर दिए हुए हैं। ठीक है, ये बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। जो न्यू इंडिपेंडेंट इंडिया बना था दोस्तों, उसके प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जब बने थे, तो इंडो चाइना वॉर हुई थी 1962 में, तो उससे उभरते हुए कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनके आंसर आज तक नहीं दिए गए हैं, और माना जाता है कि ये आंसर आपको इस बुक में मिल जाएंगे, जो कि ऑथर किया गया किसके द्वारा, अवतार सिंह भसीन के द्वारा, और जिसका नाम आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, नेम ऑफ दी बुक आपका यहाँ पर रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 4 हमें यहाँ पर क्या बोलता है ये देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज नेम्ड साइक्लोन यास, नेपाल, ओमन, मलेशिया, म्यांमार। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी
ऑप्शन नंबर बी दैट इज ओमन। तो दोस्तों ओमान ने क्या किया, बेसिकली इस जो आपका साइक्लोन है यास, जो कि बंगाल और ओडिशा को कहीं ना कहीं क्या करेगा दोस्तों, टच करेगा, उसका नाम यहाँ पर यास रखा गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ने से पहले देख लो, मैं इसके बारे में आप लोग को बता दूं, कुछ जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्रिडिक्ट करते हैं ऐसे साइक्लोन्स के कब आएंगे, कितनी जोर से आएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग को ध्यान रखना है कि वर्ल्ड मेट्रोलॉजी ऑर्गेनाइजेशन है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पर होता है, उसका हेडक्वार्टर होता है आपका जिनेवा में। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन को दोस्तों फाउंड कब किया गया था, तो उसके ऑर्गेनाइजेशन को फाउंड किया था ना 1950 में, और आज के टाइम में उसके प्रेसिडेंट दोस्तों कौन है, तो उसके प्रेसिडेंट आपके हो जाते हैं कौन, डेविड ग्रिम्स। डेविड ग्रिम्स उसके क्या हो जाते हैं, प्रेसिडेंट हो जाते हैं। पढ़ लेते हैं इस बात को, साइक्लोन यास टू हिट वेस्ट बंगाल उड़ीसा। हमें पता ही है दोस्तों, ताऊते आया, ताऊते के बाद अभी ये, और वेस्ट बंगाल में तो दोस्तों पहले भी पिछले साल 2020 में भी आम्फान बोलकर एक बहुत ही डेडली साइक्लोन आया था, और उसके बाद अभी बे ऑफ बंगाल में यास। पूरी बात इसकी पढ़ लेते हैं दोस्तों, अ कैटेगरी 5 साइक्लोनिक स्टॉर्म हैज बीन फोरकास्टेड टू मेक इट्स लैंडफॉल अलॉन्ग द कोस्ट लाइन ऑफ वेस्ट बंगाल एंड ओडिशा बिटवीन 26 टू 27। वंस फॉर्म द साइक्लोन विल बी नेम्ड यास, यास विल बी द डेडली एज आम्फान विच वॉज ऑल्सो फॉर्म इन द बे ऑफ बंगाल इन द मे लास्ट ईयर। यास नेम्ड बाय ओमन सच एज रेफर्स टू द जैस्मिन लाइक ट्री दैट हैज गुड फ्रेग्रेंस। राइट, तो यहाँ पर दोस्तों ये जो आपका यास है वो बेसिकली एक चमेली के पेड़ की तरह है जिसकी खुशबू बड़ी अच्छी होती है। राइट, तो ओमन ने उस को सोचकर यहाँ पर नाम रखा गया है। द रोटेशनल लिस्ट ऑफ द नेम्स ऑफ द साइक्लोन्स इज मेंटेन बाय द वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन विच नेम द स्पेसिफिक ऑफ द ईच ट्रॉपिकल जोन। राइट, तो दोस्तों हम लोगों ने WMO के बारे में भी पूरी बातें कर ली, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में मैंने सारी आपको यहाँ पर की टेक अवेज बता दिया है। आपको ध्यान रखना है कि साइक्लोन का नाम क्या है, तो इस साइक्लोन का नाम आपको दोस्तों याद रहना चाहिए यास। राइट, ऑलरेडी बहुत सारे ऐसे साइक्लोन्स ऑलरेडी वेस्ट बंगाल को टच कर चुके थे। अगर मैं बात करूँ बुलबुल की, या फिर आयला की, या फिर मैं बात करूँ आमफान की, या फिर यास की बात कर लूँ, आपको काफी सारे ऐसे साइक्लोन्स हमें देखने को मिले हैं इस बेल्ट में। ताऊते आया है जो गुजरात और महाराष्ट्र के बेल्ट में आया है, केरला में हर साल फ्लड या फिर कुछ ना कुछ होता ही रहता है, लैंडस्लाइड्स वगैरह दोस्तों। तो ये सारी चीजें भी हमें अपने दिमाग में एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रखनी चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 5 हमें यहाँ पर क्या बोलेगा ये देखेंगे। वर्ल्ड थायराइड डे इज ऑब्जर्व ग्लोबली ऑन 26 मई, 27 मई, 25 मई, 26 मई, 27 मई और 28 मई। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर योर ऑप्शन नंबर ए दैट इज 25 मई। तो वर्ल्ड थायराइड डे को दोस्तों कब मनाया जाता है, तो वर्ल्ड थायराइड डे को आपको 25 मई को मनाया जाता है, और जो मेन पर्पस होता है वर्ल्ड थायराइड डे मनाने का इज टू अवेयर द इम्पोर्टेंस ऑफ थायराइड एंड द प्रिवेंशन ऑफ द ट्रीटमेंट ऑफ थायराइड डिजीजेस। दिस डे इज एस्टैब्लिश्ड इन 2008 एज अ पार्ट ऑफ कैंपेन लेड बाय द यूरोपियन थायराइड एसोसिएशन एंड अमेरिकन थायराइड एसोसिएशन, फॉलोड बाय द लैटिन अमेरिकन थायराइड सोसाइटी एंड एशिया ओशनिक थायराइड एसोसिएशन टू कॉमेमोरेट द पेशेंट्स विद थायराइड डिजीजेस एंड डॉक्टर्स एंड फिजिशियंस टू हु ट्रीट देम। राइट, तो थायराइड अवेयरनेस को फैलाने के लिए, लोगों को थायराइड की डिजीज से बचाने के लिए दोस्तों बेसिकली इस दिन को मनाया जाता है, और आपको ये बात ध्यान रखनी है कि इस दिन को हर साल 25 मई को मनाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलने से पहले दोस्तों यहाँ पर मैं आप लोग को बता दूं, जैसे मैंने हर सेशन में आप लोग को बताया है, SBI क्लर्क का एग्जाम होने वाला है दोस्तों, एग्जाम 2021। इसी के लिए अविशन इंस्टीट्यूट लेकर आ गया है क्या, बूस्टर कोर्स, जहाँ पर आपको ये सारी स्पेसिफिकेशंस मिलेगी। 120 से ज्यादा लाइव क्लासेस रहेगी, डेली असाइनमेंट्स दी जाएगी, 100 से ज्यादा PDF आप लोग को मिल जाएगी, मॉक टेस्ट आपको प्री और मेंस को लेकर मिलेंगे यहाँ पर दोस्तों, 5000 से ज्यादा क्वेश्चंस आप लोग को दिए जाएंगे एंड वेरी इंपॉर्टेंट डाउट क्लियरिंग सेशंस रहेंगे। इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी दुविधा होती है, कोई भी जानकारी आप चाहते हैं, तो दोस्तों आप इस नंबर पर फोन कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप लोग हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को भी विजिट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 6 हमें यहाँ पर क्या बोलेगा ये देखेंगे। चाइनीज साइंटिस्ट युआन लॉन्गपिंग passed away recently and he was renowned for developing hybrid oil seeds, hybrid millets, hybrid cotton, hybrid rice. Here the correct option will be option number D that is hybrid rice. Hybrid rice को बनाने वाले दोस्तों बड़े जाने माने साइंटिस्ट थे, युआन लॉन्गपिंग जिनका नाम था, चाइनीज थे ये। इनका क्या हो चुका है दोस्तों, देहांत हो चुका है, डिमाइस हो चुका है, बहुत इंपॉर्टेंट है, और भी चलिए बन सकती है क्वेश्चन आप लोग को, डेफिनेटली बना सकती है, जिसको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस भी बोला जाता था। ठीक है, युआन लॉन्गपिन का नाम था, he was very much renowned for developing the hybrid rice strain that vastly improved the grain output in the country and passed away at the age of 91. Yuan succeeded in cultivating a high yield hybrid
राइस स्ट्रेन इन 1973 एंड विच वॉज लेटर ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल इन चाइना एंड अदर कंट्रीज टू सब्सिक्वेंटली रेज द आउटपुट. राइट, तो चावल की मात्रा को बढ़ाने के लिए दोस्तों जो हाइब्रिड राइस यहाँ पर यूज किया गया उसके जो मतलब उसका जो आविष्कार किया गया वो युआन लॉन्गपिंग के द्वारा किया गया, जिनको फादर ऑफ हाइब्रिड राइस भी बोला जाता था. इनका देहांत हो चुका है दोस्तों, देहांत के वक्त इनकी जो उम्र थी वो 91 ईयर्स की थी. और भी चली है, हर हर सेशन में मैंने आपको बताया बहुत इंपॉर्टेंट ये रहती है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ. और क्वेश्चन नंबर 7 हमें यहाँ पर क्या बोलेगा ये देखेंगे. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट रिसेंटली लॉन्च संजीवनी परियोजना टू ट्रीट द COVID-19 पेशेंट्स एट होम. उत्तर प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, हरियाणा. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज हरियाणा. तो दोस्तों हरियाणा का कैपिटल सबसे पहले बात करेंगे, स्टेट्स की डेफिनेटली यहाँ पर बात करनी चाहिए मुझे. तो हरियाणा का कैपिटल यहाँ पर क्या हो जाएगा, हरियाणा का कैपिटल हो जाएगा आपका चंडीगढ़. और दोस्तों आप लोगों के लिए आज का क्वेश्चन रहेगा क्या कि आप हरियाणा के गवर्नर और सीएम का नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताओगे. ठीक है, कमेंट सेक्शन में लिखकर मुझे सीएम और गवर्नर किसका, हरियाणा का, आपको इनका नाम मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है. इसके बारे में पूरी डिटेलिंग हम लोग ले लेते हैं. तो हरियाणा गवर्नमेंट ने लॉन्च किया दोस्तों संजीवनी परियोजना टू ट्रीट द कोविड पेशेंट्स एट होम, विच विल प्रोवाइड सुपरवाइज्ड एंड क्विक मेडिकल केयर एट होम फॉर पीपल विद माइल्ड एंड मॉडरेट सिम्टम्स ऑफ COVID-19 रिसाइडिंग रूरल एरियाज. दिस परियोजना हैज बीन लॉन्च टू एक्सटेंड मेडिकल केयर इन रूरल एरियाज where awareness regarding the second wave of COVID-19 and related treatment remains low. It is an important step of bringing medical care for the people who need it the most when they need it most, right? तो यहाँ पर दोस्तों बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव यहाँ पर लिया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा कि जो भी माइल्ड सिम्टम्स से भी अगर दोस्तों सफर कर रहे हैं COVID-19 के, तो उसे जल्दी से जल्दी क्या करा जाएगा, घरों पर ही इलाज दिया जाएगा कोविड का. जो भी बहुत ऐसे लोग हैं जिन्हें बेड्स नहीं मिल रहे, वेंटिलेटर्स नहीं मिल रहे, ऑक्सीजन सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो इसको मद्देनजर रखते हुए जल्दी से जल्दी और ज्यादा से ज्यादा उनको हेल्प प्रोवाइड कराए घरों में ही, इस परियोजना को लेकर उतरा है. संजीवनी परियोजना बोलकर इसका नाम रहेगा जो कि हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा दोस्तों लॉन्च किया गया. ठीक है, ये बात याद रखिएगा. और ये डोर टू डोर अवेयरनेस कैंपेन रहेगा, ये बात भी आप लोग ध्यान रखिएगा. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 8 हमें यहाँ पर क्या बोलता है ये देखते हैं. Which state government has recently launched a Mission Oxygen Self-Reliance Scheme to meet its oxygen needs? तो दोस्तों ऐसे कौन सी गवर्नमेंट है जिसने बेसिकली यहाँ पर मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस चलाया है ताकि वो ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन की नीड से उसको दोस्तों कहीं ना कहीं अचीव कर पाए. ऑप्शन है आप लोग के पास महाराष्ट्र, केरला, कर्नाटका, पंजाब. हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज महाराष्ट्र. महाराष्ट्र की बात करूँ तो मैं सीएम का नाम उद्धव ठाकरे. बात कर लेते हैं गवर्नर की, तो गवर्नर कौन हो जाएंगे दोस्तों, भगत सिंह कोश्यारी. और बात कर लूं अगर मैं कैपिटल की, तो कैपिटल हो जाता है क्या, मुंबई. राइट, ये बात आप लोग यहां पर ध्यान रखिएगा. तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने दोस्तों लॉन्च किया है मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस. स्पेशल incentives will be given to the oxygen producing industries under this scheme. The demand of the liquid medical oxygen has increased in Maharashtra recently while treating COVID-19 patients. At present, the state's oxygen generation capacity is 1300 MT per day. In order to meet the increasing demand, the state government has declared few incentives to meet the target producing 3000 MT oxygen per day. Right? तो अभी 1300 से 3000 की तरफ बढ़ने की योजना यहाँ पर बनाई जा रही है. तो आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या ध्यान रखना होगा कि मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिलायंस कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है, ये बात आपको ध्यान रखनी है. नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ. क्वेश्चन नंबर 9 बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों आप लोग के लिए. ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रिसेंटली किसे अपॉइंट किया गया है एज अ न्यू डायरेक्टर ऑफ द सेंट्रल ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन ऑफ इंडिया. सुबोध कुमार जायसवाल, शैलेंद्र मेहरा, अतीश कुमार जैन, मेहुल रजत सिंह. द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सुबोध कुमार जायसवाल. तो सुबोध कुमार जायसवाल को दोस्तों अपॉइंट किया गया एज अ न्यू सीबीआई डायरेक्टर एंड ही वॉज द मोस्ट सीनियर ऑफिसर अमंग द 3 शॉर्टलिस्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ सीबीआई डायरेक्टर. जायसवाल अलॉन्ग विद द के आर चंद्रा एंड वी एस कमुंडी वॉज शॉर्टलिस्टेड आउट ऑफ 109 ऑफिसर्स फॉर द टॉप पोस्ट ऑफ द हाई पावर्ड कमेटी लेड बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी. अदर मेंबर्स ऑफ द कमेटी इंक्लूड द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एन वी रमना एंड लीडर अपोजिशन इन द लोकसभा अधीर रंजन चौधरी. तो दोस्तों यहाँ पर सीबीआई का नया ऑफिसर क्या किया गया, अपॉइंट किया गया है, डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है आपको. बहुत इसका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए, आईपीएस सुबोध कुमार जायसवाल. राइट, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर रहेगा. ठीक है, और मैं आपको बता दूं सीबीआई को दोस्तों जो आप लोग का
लीड करता है इस पावर कमेटी को, तो ये प्राइम मिनिस्टर करते हैं नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ, जो कि आज के हमारे सेशन का दोस्तों लास्ट क्वेश्चन रहेगा। वैशाख डे 2021, वैशाख डे 2021 इज ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन 24th May, 25th May, 26th May, 27th May। हियर द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 27th of May। दोस्तों इसको बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी बुलाया जाता है और इसको वैशाख डे भी बुलाया जाता है। वैशाख डे इज ग्लोबली ऑब्जर्व्ड ऑन 26th of May, अ डे ऑफ फुल मून एंड अ मोस्ट सेक्रेट डे ऑफ बुद्धिस्ट इन ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑन दिस डे लॉर्ड गौतम बुद्ध अटेन एनलाइटमेंट। द डे इज कॉमेमोरेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एवरी ईयर, राइट? तो इसको आप बुद्ध पूर्णिमा भी बोल सकते हो और वैसाख डे भी बोल सकते हो, जो कि 26 मई को मनाया जाता है। तो दोस्तों ये था पूरा हमारा टॉप 10 करेंट अफेयर्स का सेशन। आशा करते हैं कि सेशन आप लोग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा है तो लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को आप लोग तुरंत ही सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो यहाँ से डालूँ तो उसका सबसे पहले नोटिफिकेशन आप लोग की फोन स्क्रीन पर आ जाए। साथ ही साथ इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, ताकि जो भी आगे आने वाले एग्जाम एस्पिरेंट्स हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं दोस्तों, उन्हें भी इन वीडियोस का ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।